हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या दिल की बात नहीं कह रहे, तो इन मैसेजेस के थ्रू आपसे वो कहना क्या चाहते हैं। आपके लिए रोज है, यू आर वर्दी ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन या किसी भी रीजन से आपका एहसास बहुत ज़्यादा खास लग रहा है, आप लवेबल हो, यू आर वर्दी ऑफ लव। और आप सिर्फ प्यार के नहीं, प्यार के वाले जो रिस्पेक्ट है ना, उसके काबिल हो, ऐसा फील हो रहा है। लाइफ में कुछ तगड़ा हुआ है, किसी इंसान से चोट खाए हुए हैं, हालातों से चोट खाए हुए, या फिर अपनी सोच से बदले हुए हैं। आपकी कमी, और आपकी स्पेशली कमी से ज़्यादा ना आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा समझ में आई। मेक अ चॉइस, इन्होंने कोई डिसीजन लेना था, सही डिसीजन शायद नहीं ले पाए, तो उन्हें लगा कि ये अभी तक ना कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अगर चॉइस करनी थी तो, या फिर इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था, ऐसा उनको आपसे कहना है। तो ये आपके रिलेटेड हो सकता है, या जैसे ना आपके लिए डिसीजन ना लेना, ये उनको बहुत बड़ा भारी पड़ा है। इन्फैटुएशन, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ आप ही के लिए है। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ना, और वो जो मैग्नेटिक पुल है, वो इमोशनल ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। डीप कॉन्टेम्पलेशन, जिस तरह से शाम की एनर्जी थी ना, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करी है। ये बहुत ज़्यादा गहरे मोड में है, एकदम अकेलेपन के मोड में, अकेलेपन के मोड। पैशन, जो पैशन है उनकी लाइफ में ना, या जो एक मैग्नेटिक पुल है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल अट्रैक्शन जो भी है ना, सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत यूनिक है और वो किसी और से फील ही नहीं हो पा रही। ये शायद किसी रिश्ते में है, या किसी से कमिटेड है, या आसपास दोस्त और रिलेटिव्स, रिश्ते बहुत ज़्यादा, फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि फैमिली ने अपने रंग दिखाए हो। ऑफकोर्स मैरिड सिचुएशन में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत तगड़ी फाइट्स एंड ऑल चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्गुमेंट की एनर्जी है। लेकिन इनकी एनर्जी आपकी तरफ ही मुड़ रही है, क्योंकि लाइफ में ना कुछ शांति चाहिए उनको, जो शांति, सुकून, जो एकदम जो फील हो वाला एहसास, वरना वो ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे सपोज़ रात को झगड़ा हुआ है, तो अगर आपको याद करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ ना, तो दूसरा दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वाली एनर्जी है, बहुत गहरी सोच में भी है कि उन्होंने क्या गलत किया, कौन से डिसीजन है रॉन्ग किए, और आपके साथ कैसा किया, गलत किया, आपको छोड़ के, आपसे मुंह मोड़ के कितनी बड़ी गलती हो गई है, ये बात का एहसास तो है। आई एम वेटिंग फॉर यू, इन्हें आपका इंतज़ार है, आपकी लाइफ में उनके लाइफ में वापस आने का इंतज़ार है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वॉन्ट टू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर हो नहीं पा रही, कर नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, अपने आप से ही नफरत होती है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ऑल यू, इनको एहसास तो है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको दुखा के, मतलब आपका दिल दुखा के, आपका दिल तोड़ के, और आपको रुला के, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं, कर चुके हैं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, इनका ऐसा कहना है ना कि ये जो भी हुआ ना, आपको हर्ट होने वाली चीज़ है, ये इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, इन्हें अभी तक सोशल फियर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इस रिश्ते को क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉशियस है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आपके पिक्चर्स
इनके फ़ोन में बहुत अच्छे से सेव किए हुए हैं, संभाले हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान से देते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर। सो इन्हें आपसे बात करनी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उससे डरे हुए हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। थर्ड पार्टी और आपके बीच में इनका चुनाव हो चुका है और इनका दिल सिर्फ आपका है। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। ये बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कह सकती डेस्परेटली बट गहराई से अभी दिल से इमोशनली हर तरीके से ना बहुत सोल लेवल पे चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनके साथ हो। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, मतलब लाइफ में ना अभी ये अपने डिसीजन लेना चाहते हैं और ख़ास करके आप ही के साथ पल बिताना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने आपके ना होने पर ना बहुत कुछ मिस किया है। वो खुशियाँ मिस की है, वो रिश्ता मिस किया है और कंसर्न केयर हर चीज़ मिस की है, उसे वो वापस लाना चाहते हैं। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।